नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ गई है, लगातार बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और एक बार फिर से 10 नए मरीज मिले हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, एक के बाद एक नए मरीजों की पहचान की जा रही है। आंकड़े काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही बिहार में तेजी से बढ़ता हुआ आंकड़ा 238 पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 10 नए मरीज मिले हैं। सबसे बड़ी बात, कैमूर से लगातार मरीजों की पहचान की जा रही है, बक्सर से मरीजों की पहचान की जा रही है। अभी जो 10 नए मामले आए हैं, 5 कैमूर के हैं, 4 बक्सर के हैं और 1 पटना के हैं। पटना से भी लगातार मरीजों की पहचान की जा रही है, तो काफी तेजी से यह आंकड़ा बढ़ रहा है। बिहार में 238 पॉजिटिव केस हो गए हैं। एक बड़ी खबर है ये, क्योंकि लगातार हालात जो है वह बिगड़ते जा रहे हैं बिहार के। कुछ दिन पहले तक जब आंकड़े 100 नहीं पहुंचे थे, उस वक्त तक स्थिति काफी स्लो थी, मतलब यूं कहें कि स्थिर सी थी। लगातार 24 घंटे में 1 से 2 मरीज ही मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही आंकड़ा 100 के नजदीक पहुंचा, उसके बाद एक दिन में 20 से अधिक मामले सामने आने लगे हैं। 2 दिनों में तो 45 और 50 से अधिक मामले सामने आए और आज अभी 10 नए मामले सामने आए। अब से कुछ देर पहले 5 नए मामले सामने आए थे, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। 2 मामले बक्सर के आए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा था कि ये मामले जो है वह गलत हैं, इसकी गिनती एक बार हो चुकी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि 10 नए मरीज की पहचान की गई है। हम आपको वो तमाम आंकड़े दिखाते हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। कैमूर से 5 मिले हैं, जिसमें 4 पुरुष हैं, 1 महिला है। 34, 48, 42 और 46 साल के 4 पुरुष हैं, 28 साल की 1 महिला शामिल है। और बक्सर से 4 मिले हैं, जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला है। 15 साल की लड़की 1 शामिल है इसमें, और जो पुरुष हैं वो 35 साल के हैं, 50 साल के हैं और 31 साल के हैं। और सबसे बड़ी बात, पटना के खाजपुरा से 1 31 वर्षीय व्यक्ति जो है वह कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो लगातार कैमूर, बक्सर और पटना से मरीजों की पहचान की जा रही है। आने वाले वक्त में क्या कुछ नए अपडेट्स आते हैं, तमाम चीजों से हम आपको अपडेट कराएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।